अजिंक्य रहाणे की आखिरी यादगार आईपीएल पारी कौन सी थी? याद करना मुश्किल है ना, पर 34 साल के रहाणे ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स को एक शानदार जीत दिलाई। इस मैच में रहाणे ने आईपीएल 2023 का सबसे तेज 50 भी जड़ा। रहाणे ने 19 बॉल में ही 50 रन पूरे कर लिए थे। इससे पहले शार्दुल ठाकुर और जॉस बटलर ने 20 गेंदों पर अपने अपने 50 बनाए थे। रहाणे के नाम इस पारी में एक और रिकॉर्ड जुड़ा है, उसके बारे में भी बताएंगे, पर उससे पहले ये जान लीजिए कि शानदार पारी के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व प्लेयर ने क्या कहा। रहाणे ने माही यानी एमएस धोनी से जुड़ी एक खास बात का खुलासा किया है। रहाणे ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा, मुझे बहुत मजा आया, मुझे टॉस से ठीक पहले पता चला कि मैं खेल रहा हूँ। मोइन की तबीयत ठीक नहीं थी, फ्लेमिंग ने बताया कि मैं खेल रहा हूँ, मेरा डोमेस्टिक सीजन अच्छा रहा, मैं अपना शेप मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, टाइमिंग पर फोकस करता हूँ, आपको सिर्फ ये सोचना होता है कि आप कैसा फील करते हैं। रहाणे ने आगे कहा, आईपीएल एक लंबा टूर्नामेंट है, आपको नहीं पता आपको कब मौका मिल जाएगा, मैं हमेशा वानखेड़े में खेलना एंजॉय करता हूँ, मैंने यहाँ कभी कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, मैं यहाँ एक टेस्ट मैच खेलना चाहता हूँ। माही भाई और स्टीफन फ्लेमिंग की खास बात यह है कि वो सबको आज़ादी देते हैं, माही भाई ने मुझसे कहा था अच्छे से तैयारी करना। अब रहाणे का दूसरा रिकॉर्ड भी जान लीजिए, सीएसके के लिए किसी भी बल्लेबाज ने सबसे तेज 16 बॉल पर 50 जड़ा है। ये रिकॉर्ड सुरेश रैना के नाम है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर अब रहाणे का नाम है। रहाणे से पहले मोइन अली आते थे, उन्होंने भी 19 बॉल में 50 ठोका था। यानी इन दोनों प्लेयर्स ने सीएसके के लिए जॉइंट दूसरी सबसे तेज 50 लगाई है। अजिंक्य से जुड़ी तमाम बातों के बाद मैच पर लौटते हैं। सीएसके ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पावर प्ले में अच्छी शुरुआत के बाद मुंबई की टीम सीएसके के स्पिनर्स के आगे फैल गई। टीम ने किसी तरह अपने 20 ओवर्स में 8 विकेट खोकर 157 रन बनाए। मुंबई के लिए ईशान किशन ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। सीएसके के लिए रविंद्र जडेजा ने 3 जबकि तुषार देशपांडे और मिचेल सैंटनर ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में सीएसके ने अजिंक्य रहाणे की ताबड़तोड़ हाफ सेंचुरी और ऋतुराज गायकवाड़ के 40 रन की मदद से सिर्फ 3 विकेट खोकर जीत के लिए जरूरी रन बना लिए। ये सीएसके की लगातार दूसरी जीत और मुंबई की लगातार दूसरी हार थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सूरज ने। मैंने हारिका यादव, देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।